नमस्कार। सो ये एक सुनहरा मौका है उन सब के लिए जो कर्नाटक का रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे। देखिए, हर बार केरल सीएमसी वेलूर, पर्टिकुलरली जो कि तमिलनाडु का स्टेट प्राइवेट कॉलेज है, और आईपीयू, ये तीन लोग हैं जो मिशन नीट फॉर्म से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं। और केरला भी इस बार कर चुका, सीएमसी वेलूर तो कर ही चुका, और इस बार कर्नाटका ने भी कर दिया था। पर थैंकफुली कर्नाटका ने एक नोटिस निकाल दिया है कि जब नीट का रिजल्ट आएगा तो फिर से वो 3 से 4 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले उसको मिस कर दिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि शायद केरला भी दोबारा से बस 2 दिन की विंडो देगा कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे। तो प्लीज़, जो लोग खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं या अपने काउंसलर्स को बोल के रखिए कि कर्नाटका और केरला को ट्रैक करते रहें उनकी वेबसाइट्स को। और मैं हमेशा कहता हूँ कि खासकर जहाँ पर ये 500, 800, 2000 के रजिस्ट्रेशन है ज़रूर करा के रखिए। हर साल ऐसा होता है कि पहले आप कुछ और डिसाइड करते हो, राउंड 3 में आते आते बच्चे को देख के आपको लगता है कि ड्रॉप नहीं करा पाएंगे, और ठीक है जी बजट हमारा 90 लाख का था लेकिन खींच के 1-20 तक खर्च कर देंगे अगर अच्छी सीट मिल जाए। बट अच्छी सीट मिल नहीं सकती क्योंकि आपने कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन करानी। तो सिमिलरली जहाँ जहाँ आपको मौका मिले राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहे मत दीजिए, बट रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम जगह पर करा के रखिए। आपको हेल्प होगी, आपको बेनिफिट होगा। और गुड न्यूज़ ये है कि कर्नाटका ने फॉर्म निकाल दिया है कि दोबारा आपको मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का नीट रिजल्ट के बाद, जो कि 14-15 जून को आने की उम्मीद है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बाकी नीट MBBS एस्पिरेंट्स को सटीक और सही जानकारी रेगुलरली मिलती जाए। हमसे संपर्क करना चाहें 9643362320 नंबर, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।